Sanchitji, good evening. Good evening. I'm speaking right now to Sri Sanchit Rajpal, who is a leading exporter representing Manjeet Group in India. Manjeet Group is the biggest ginger group in India and also a leading exporter. There are very few companies who are genuinely ginners and exporters, and Manjeet is the leading company in all of them. Sanchit ji, aap ye bataiye ki with your experience in cotton aur is saal jo aap dekh rahe hain, is saal kis tarah different raha, 2019 kis tarah different raha cotton industry ke liye, specially exporters ke liye? See, cotton mein हर साल एक नया साल होता है, हर साल हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलता है और हर साल एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है जी। तो इस साल जैसा कि हमने देखा है कि क्रॉप नंबर्स वर एग्जॉर्बिडेंटली लो, और स्टार्टिंग से लग रहा था सबको कि क्रॉप काफ़ी कम रहेगी, और वो एंड में एकदम सही हुआ कि क्रॉप नंबर्स जो है वो काफ़ी कम रहे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और जब जब नंबर्स कम होते हैं तो जब जब शॉर्टेज होती है, जब जब सीधी सी बातें, बीइंग अ जिनर हो तो आपको मार्जिन्स में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता ही है जी। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द जिनिंग फैक्ट्रीज अब जिस हिसाब से इंडिया में कैपेसिटी बिल्टअप हो गई है, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो इस साल काफ़ी शॉर्टेज रही है। सो ओवरऑल हमने आज तक कभी इतना लोअर नंबर, कभी इतनी कम क्रॉप नहीं देखी है, तो नेचुरल सी बात है कि शॉर्टेज काफ़ी रही है इस बार जी। तो ये शॉर्टेज एंटिसिपेटेड थी ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, स्टार्टिंग में सी, बिकॉज इंडिया में ऐसा अभी तक कोई क्रॉप नंबर्स निकालने के लिए कोई परफेक्ट एक मैकेनिज्म नहीं है, बट जो धीरे धीरे करके हम देखते आ रहे थे, जनवरी फरवरी के बाद से काफ़ी कुछ लग रहा था कि भाई क्रॉप नंबर कम होने वाला है, जिस हिसाब से अराइवल्स कम होते जा रही थी, तो जाहिर सी बात है कि लग रहा था कि क्रॉप नंबर तो कम होगा ही इस साल जी। तो अभी 2019 समझो 18-19 कॉटन सीजन में करीब 45-50 लाख बेज के बीच में एक्सपोर्ट का फिगर बैठेगा? हाँ, करीब 45 लाख के आसपास बैठना चाहिए जी। तो इसमें पैरिटी का क्या इशू है आपके हिसाब से, जो लास्ट ईयर से डिफरेंट हो ऐसा कुछ? सी, पैरिटी वाइज तो इस साल काफ़ी कम रहा है, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि पैरिटी उस सालों में जब ज़्यादा मिलती जब हमारे पास क्रॉप नंबर बड़ा होता है जी। क्योंकि बड़ी क्रॉप में ये होता है कि प्राइजेस हमेशा एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पर रहती है, और कॉटन पीछे से सेल करने के बाद कवरिंग ईजिली हो जाती है, बट इस साल देखा कि काफ़ी कुछ प्राइजेस एक शॉर्टेज होने के कारण एक काफ़ी अप ट्रेंड पे थी, और जिनर्स भी माल काफ़ी रोक रोक कर बेच रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मूथ सेलिंग नहीं थी। तो ओवरऑल, और प्लस बाद में लेटर ड्यूरिंग द सीज़न हमने देखा कि इंडियन कॉटन आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव हो गई है, बट जनरली इंडियन कॉटन सेल्स अराउंड 500-700 ऑन सिर्फ मेन मार्केट्स, और जो आज की तारीख में अगर अभी देखेंगे तो विच इज़ ऑलमोस्ट 2000 ऑन, विच इज़ राइट नाउ द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉटन इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, आई वुड से। तो क्वालिटी वाइज कंटामिनेशन के इश्यूज है फिर, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो अच्छी ग्रोथ जैसे अफ्रीकन हो गया, ब्राज़ील हो गया, US हो गया, ऑलमोस्ट अभी कुछ 1100 से लेकर के 1400 ऑन में यू गेट बिटवीन 1100-1400 ऑन वी गेट ऑल कंटामिनेशन मशीन पिक कॉटन। सो इंडियन टू इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन टू गेट सोल्ड एट 2000 ऑन। सो एक वो काफ़ी बड़ा रीज़न रहा है कि जो एक्सपोर्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा स्लो, मतलब काफ़ी एक डाउन टर्न देखा है सिंस लास्ट 2 मंथ्स। सो मुझे नहीं लगता कि लास्ट 2 महीने में कुछ एक्सपोर्ट हुआ होगा और खैर हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस था भी नहीं, तो ऐसे ही ऐसा कुछ ज़रूरत भी नहीं थी एक्सपोर्ट की। तो इट हैज़ बीन अ वेरी स्लो ईयर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, आई वुड से। सो फॉर अ जिनर एक्सपोर्टर ये तो कैश 22 सिचुएशन हो गया, एक तो आपको प्रोसेस करने के लिए कम कपास मिला और बेचने के लिए रुई कम मिली, तो अगर ऐसा और एक साल जाता है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट का क्या फंडा है? सी, वो तो एक्चुअली क्या है कि जिस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट ईयर एक्चुअली इंडिया में काफ़ी जगह पर हमने पिंक बॉल वर्म का हमने न्यूज़ सुनी थी, तो वो एक मेजर रीज़न था कि जो क्रॉप कम था लास्ट ईयर, और टचवुड लास्ट ईयर जो ये जो सीज़न गया है इसमें कोई पिंक बॉल वर्म का कोई इशू भी नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में क्रॉप का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से यील्ड्स इंडिया की नीचे आ रही इट इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि एरिया वाइज देखेंगे तो वी आर वे अबव, वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एकरेज की अगर हम बात करें तो, बट यील्ड्स में अगर हम देखेंगे तो हम top 5 में भी कहीं नहीं आते, तो वी रियली नीड टू वर्क ऑन द यील्ड्स, और आई थिंक दिस इज़ रियली अलार्मिंग सिचुएशन। अगर इसी तरीके की यील्ड्स रही तो आई थिंक दो या तीन साल में मैं समझता हूँ कि इंडिया विल बिकम नेट इम्पोर्टर ऑफ कॉटन,
क्योंकि जिस हिसाब क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से नई मिले आ गई, जिस हिसाब से सरप्लस कैपेसिटीज ऑलरेडी बिल्टअप हो चुकी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो फोकस ऑन यील्ड्स, और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यील्ड्स बढ़ाने में. अदरवाइज सालों में तो देखा है तो इंडिया है, मेरे हिसाब से इंपोर्टर बन के रह जाएगा कॉटन का. तो मतलब जो सरप्लस है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, मेरे हिसाब से काफ़ी कम हो जाएगा आने वाले सालों में. कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया, लेकिन फिर माइट भी नेट इम्पोर्टर नहीं बोलेंगे खैर हम उसको, लेकिन भाई वी माइट इम्पोर्ट. Area under cotton cultivation. As an exporter, you have just been, you have just returned from China. Mm-hmm. How was the mood, and what is your call for the next quarter, that mm-hmm. is the last quarter of the season? China as a market is very slow right now because of the trade war situation between US and China. So right. everybody is on wait and watch situation right now. Nobody wants to take a chance. Mm-hmm. If a spinning mill wants to buy 500 tons, they are stopping themselves at 50 tons only. Because mm-hmm. Right now there's too much uncertainty. Right. And as far as demand is concerned, as I've told earlier also, ki at these levels there is hardly any demand. 2000 on pe Indian ke koi sawal nahi aata bikne ka. You are already to, overpriced as far as yeah, international. Yeah. So nothing much. Thoda bahut there is a little bit of inquiry, new crop, but again we have a MSP next year. So it's not the levels what buyers are looking at is around I would say 77-78 cents or even lower. So they are looking at around 800-850 on, mm-hmm. which I feel is a very risky level. So what would that make the Indian cotton prices in candy? So that comes to around 41,000 rupees, I would say. Okay. So there is a little bit of demand around between 41 to 41,800. There is a little bit of demand, but again, it all depends. Like MSP has already been increased by 100 rupees. So overall, these levels look really risky to me in terms of as far as forwards are concerned. Right. So as an exporter, you will be comfortable to sell at 41 to 41,800. But as a ginner, with the current MSP, mm-hmm. do you think that would be a viable option? I think I won't be even comfortable as an exporter also to sell at these levels, right. because these are too risky. Because these are very risky levels, and if you assume price of 5,500 rupees a quintal, and if you consider the price of cotton seed to be around 2,100 or 2,200 rupees a quintal, then I think MSP triggers at around 43, between 43 to 44,000 is the point where MSP will trigger. Yes. So I think these levels are very risky right now. Right. So even at 43, it will be no profit, no loss. Yeah, even 43 would be no profit, no loss. Yes. Yeah. But we haven't seen the crop right now. We don't know what is the number. We know that there will be a shortage of rain this year. So looking at everything, I feel that this is not the right time to sell forwards until and unless we have a clear vision of the crop numbers. Yes, I think you are right. We are on very fragile ground right now to commit anything in forward. True. So after very, very long period of time, we are seeing a huge shortage of cotton in India in spite of a high acreage as well as falling exports also. So where would that take India? I mean, in terms of a competitor country across the world. See, there are 2-3 factors which I feel we should look upon. First is area is coming down because of the prices of substitute crops also. So we need to watch out for the prices of soya beans and the substitute what farmers might move to. Right. So last year farmers got good prices in castor. They got good money in ground nuts. So right. as far as profitability of cotton is concerned, cotton is not very profitable from farmers' point of view. Right. So farmers will definitely look out for another options. So I think this is something which we really need to watch out for. Right. So cotton may not be a may not be the best option for them. And with the MSP also, with 300 rupees increase in soya bean and only 100 in cotton. Yeah. That can also be a deterrent. Exactly. And plus, the time it takes to harvest, I mean, the time required for harvesting a cotton crop is much longer than what we have, in other crops. Yeah, it's a long duration crop. So, okay. So that is again, that could be one of the reasons why farmers might divert to other crops as well. So as a youngster, what would be your guidelines for an upcoming youngster in the cotton industry?
See, cotton has become really very volatile nowadays, and it is very important if we want to sustain, we really need to manage our risk properly. Right. So if we want a peaceful sleep, especially in this volatile market, I would always suggest to keep your books clean and hedged always. You know, it is, I mean, the times have gone when there was hardly a volatility in cotton. We used to see 500 rupees or 1000 rupees a candy movement in 15-20 days. Of a good margin that time. Yeah, that time we had a good margin, and so that, you know, if there was a big volatile, if there was a volatility, people had the capacity to absorb it. Yes. But nowadays with such lower margins, it has really become very difficult. So I really feel that one needs to be very disciplined as far as the cotton book is concerned. You should make sure that you have your positions hedged all the time, and you should not speculate until and unless there is a good event, you know. So that is what I would suggest, because we have seen in past few years that people have burned their hands badly in this volatility. Absolutely. Thank you, Sanjit. By this, coming from horse's mouth, a youngster who has been a dynamic rise in the cotton industry since last few years as a gainer, as an exporter, these views do make a very remarkable statement that risk management is the need of the hour, and the times are changing very fast, times are very dynamic, and we need to be aware of everything around the world rather than only looking at India as our perception. Thank you so much. Thank you.